हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर गुरु में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सी लैंग्वेज में एक नया प्रोग्राम, और बहुत ही आसान प्रोग्राम है। वो है दो नंबर का ऐड, दो नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। कई तरीके इसके होते हैं, मैं आपको एक तरीका जो बताने जा रहा हूँ। उसमें यूजर खुद वैल्यू इनपुट करेगा, मतलब हम जो वैल्यू चाहेंगे वो इनपुट करेंगे। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, हमारे पास नंबर होते हैं, हम नंबर डाल देते हैं, हमें टोटल रिजल्ट मिल जाता है कि किन किन चीजों का हमें एडिशन करना है। आइए देखते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में क्या है, जो मैंने कल बताया था, शुरुआत का वही पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, हेडर फाइल कहलाएगा। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं कमेंट बॉक्स। अगर आपको कहीं भी कमेंट देना है किसी प्रोग्राम में, तो आप डबल लाइन का, डबल स्लैश लाइन का यूज कर सकते हैं। ये आपका मेन फंक्शन हो गया। यहां पर ये क्या दिया है, इंट। इंट का मतलब जो वैल्यू आप इनपुट करना चाह रहे हो वो इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। मतलब वो नंबर्स हैं जिनमें हमारा रेशनल नंबर नहीं आना है, या कह सकते हैं रियल नंबर नहीं आना है। हमने क्या मान लिया, तीन वेरिएबल मान लिए। क्यों? क्योंकि दो नंबर का सम के लिए हमें चाहिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी मैंने मान लिया जिस पर रिजल्ट स्टोर करेंगे, और ए और बी में वैल्यू इनपुट करेंगे। कल मैंने आपको एक आउटपुट फंक्शन बताया था प्रिंटर, आज मैं आपको एक इनपुट फंक्शन बता रहा हूं, वो है स्कैन। स्कैनर में क्या होता है, स्कैनर में वैल्यू हम इनपुट करते हैं। हमें वैल्यू किसमें इनपुट करनी है, ए में और बी में। सी में तो वैल्यू इनपुट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि सी में तो ऑलरेडी हमें रिजल्ट स्टोर करना है। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए मैंने क्या लिखा, पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर द फर्स्ट नंबर प्रिंटर में। ये आउटपुट स्क्रीन पे आएगा आपका, इंटर द फर्स्ट नंबर। फिर क्या करेगा, हमसे एक इनपुट मांगेगा। क्यों? ये मॉड्यूल डी क्यों लगाया है, क्योंकि हमने डेटा टाइप कौन सा लगाया है, इंटीजर। तो हम लोगों ने यहां पे जो भी आप लगाओगे वो मॉड्यूलस डी या मॉड्यूलस एफ, अगर डेटा टाइप फ्लोट है तो मॉड्यूलस एफ हो जाएगा। एड्रेस की, उसको हम क्या एड्रेस करना चाह रहे हैं, हम उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं ए। मतलब जो पहला नंबर होगा वो आपका किस में एड्रेस होगा, ए में एड्रेस होगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर करेंगे, दूसरा मैसेज डाला और दूसरा नंबर एड्रेस करा लिया, देख सकते हैं बी को करा लिया। कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। फिर मैंने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि मेरे पास जब दो नंबर आ गए तो हमने इनका ऑपरेशन लिखा। इनका ऑपरेशन क्या था कि दो नंबर का एड हो जाए। अब दो नंबर का एड होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आउटपुट, हमें चाहिए रिजल्ट। तो हम लोग आउटपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैंने स्कैनर का यूज नहीं किया, स्कैनर का यूज हम लोग करते हैं केवल वैल्यू इनपुट करने के लिए। हमें ए में वैल्यू इनपुट करनी थी तो हमने ए में इनपुट किया, बी में करनी थी तो बी में किया। अब रिजल्ट हम लोग किस में चाहिए, सी में चाहिए। तो एक मैंने मैसेज डाला सम ऑफ नंबर, और रिजल्ट किसमें ले लिया, सी में ले लिया। तो फाइनली क्या होगा, रिजल्ट किसमें स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे, आइए देखते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपके सामने अभी प्रोग्राम मैंने आपने बनाया था दो नंबर इसके ऐड का, सेम मैंने वैसे ही किया है, पहला नंबर ए दूसरा बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, या कहते हैं कंपाइल कराते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हमने रन कराया, कंपाइल हुआ, मैसेज जो पहला प्रिंट हुआ है वो है इंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि पहला हमने मैसेज यही डाला था इंटर द फर्स्ट नंबर, और हमसे पहला नंबर अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। आइए पहला नंबर इनपुट करते हैं। मान लिया मैंने पहला नंबर डाल दिया 3, पहला नंबर हमने यहां पर कुछ इनपुट कर दिया, 3 नंबर इनपुट कर लिया, इंटर किया। अब हमसे पूछ रहा है इंटर द सेकेंड नंबर, हम अगला नंबर डालते हैं। सपोज मैंने अगला नंबर डाल दिया 5, तो रिजल्ट हमारे हिसाब से 8 आना चाहिए। देखते हैं सम ऑफ नंबर्स क्या आता है, इंटर किया और आपका दिखा रहा है सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और इसका रिजल्ट एकदम सही आ रहा है। इस तरह से आप एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। केवल आपको करना क्या होगा, अगर आप डिवीज़न का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपको जो डेटा टाइप है वो फ्लोट लेना होगा। क्यों? क्योंकि डिवीज़न के टाइम पे हमें चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम
आपका रिजल्ट हो सकता है डेसिमल में आए, इसीलिए हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो हम लोग किस में लेते हैं रिजल्ट, डेटा टाइप फ्लोट में लेते हैं, और मॉडुलस एफ का यूज करेंगे। जैसे मैंने दो नंबर का एडिशन बनाया है, वैसे ही आप दो नंबर का सब्सट्रैक्शन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का या तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशंस आप मुझे बना के कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस को देखूंगा और देखता हूँ आपका प्रयास कैसा है। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम के मिलते हैं।